नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले देखेंगे कि हम एजे फाउंडर रजिस्टर्ड ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हुए हैं या नहीं, ये हम कैसे पता करें। मैक्सिमम फाउंडर्स जानना चाहते हैं कि हम कैसे पता करें कि हम एजे फाउंडर रजिस्टर हुए हैं या नहीं। इसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है। जब भी आप अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम लॉग इन करते हो, लॉग इन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड पर ही सबसे ऊपर राइट साइड के कोने पर आपको एक आदमी का लोगो या आइकॉन दिखेगा। आप उस पर क्लिक कीजिए, उसमें एक ऑप्शन आएगा प्रोफाइल, आप उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगा, उस पर कई चीजें दिखेगा, उस पर आपका फुल नेम भी होगा। आपके नेम के नीचे एक बॉक्स में ओ फाउंडर लिखा होगा ऑन पैसिव लोगो के साथ। अगर आपको दिखाई देता है तो दोस्तों आप सही है, आप एजे फाउंडर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको वो लोगो नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है आप एजे कस्टमर एजे यूजर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आप बाय मिस्टेक एजे यूजर या कस्टमर रजिस्टर हो गए हैं तो आपको पता होगा आपने कहां मिस्टेक किया है। अगर आप बाय मिस्टेक एजे कस्टमर रजिस्टर्ड हो चुके हो तो ऑन पैसिव ने एक सॉल्यूशन दिया है, एक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। इसके रिगार्डिंग दिल्लन सर ने वीडियो भी बनाया है एंड फेसबुक ग्रुप में उन्होंने पोस्ट भी किया था, YouTube पर लाइव अपडेट भी दिया गया था। अगर आप एजे कस्टमर रजिस्टर्ड हो चुके हो तो आपको wrinkles@gmail.com पर मेल करना है। उसमें दो चीज आपको मेंशन करना है, पहला आपका वो मेल आईडी जो आपका क्रिएट हो चुका है, और आपको रजिस्टर्ड अल्टरनेट ईमेल मेंशन करना है और वहां पर लिखना है आई हैव रजिस्टर्ड एजे कस्टमर बाय मिस्टेक प्लीज हेल्प, और आप मेल कर दीजिए। करने के बाद आप पेशेंस बनाए रखिए, वेट कीजिए, जो आपका मेल है वह प्राप्त हो जाएगा एंड टेक टीम को कांटेक्ट करके डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाएगा एंड इसको सॉल्व किया जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बार मेल करने के बाद आप दोबारा से मेल मत कीजिए कि मेरा क्या हुआ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। पेशेंस बनाए रखें, आपने मिस्टेक की है, सो प्लीज वेट कीजिए एंड पेशेंस बनाए रखिए, डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बैक ऑफिस को लॉग इन कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, तो आप देखिएगा मेनू बार में जो टेस्टिमोनियल टैब था वो रिमूव कर दिया गया है। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप ofounder.com को ओपन कर पाते हैं, लॉग इन कर पाते हैं, तो आप अपने प्रोफाइल को चेक कीजिए। माय प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर हमारा न्यू मेल आईडी को भी अपडेट किया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब हम यहां कुछ फाउंडरों के सवाल के बारे में बात करेंगे। सवाल ये है कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब हम बैक ऑफिस लॉग इन करते हैं तो जो फर्स्ट पॉपअप मैसेज आता है जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया गया है उसको हम क्लोज करते हैं। उसको क्लोज करने के बाद क्रिएट अकाउंट टू एक्सेस ऑन पैसिव इकोसिस्टम ऑप्शन बटन नहीं आ रहा है। आई थिंक कुछ फाउंडर्स को ये प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है एंड कुछ फाउंडर्स को प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जिनको प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है आप प्रोसीड पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड जिनको नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, हम तीन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहला तरीका, जब आप बैक ऑफिस को लॉगिन करोगे तो सबसे पहले जो आपका पॉपअप मैसेज आता है जिसमें प्रोसेस बताया गया, उसी मैसेज में आप देखेगा सबसे ऊपर एक इकोसिस्टम ऑन पैसिव डॉट कॉम का लिंक प्रोवाइड किया गया है। उस पर क्लिक करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर सकते हो। दूसरा तरीका, उस फर्स्ट पॉपअप मैसेज को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अगर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है कि इट विल कम टू एक्सेस ऑन पैसिव इकोसिस्टम सो प्रोसीड, क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर प्रोसीड का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है तो तीसरा तरीका है, आपके बैक ऑफिस के डैशबोर्ड पर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करते ही
आपको लॉग इन एज ए फाउंडर पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम पर क्लिक करते ही आपका लॉग इन एज ए फाउंडर का विंडो ओपन हो जाएगा। वहां दो ऑप्शन दिखेगा, लॉग इन एंड रजिस्टर। आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए, अपना डिटेल्स डालें और रजिस्टर टू ओ मेल बटन पर क्लिक करें। आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे देखकर अच्छे से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।